ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य मकर राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जीवन में। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जब मकर राशि में सूर्य हो तो वो कैसे परिणाम देगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य क्या है। देखिए, सूर्य एक नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह है, व्यक्ति की आत्मा को संबोधित करता है। फिर वो पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, आपके करियर को कंट्रोल करता है, आपकी इच्छा शक्ति है सूर्य, सेल्फ रिस्पेक्ट है यानी स्वाभिमान है, जो आप क्या ईगो एक होता है वो सूर्य दिखाता है। और सूर्य आपकी छवि, सामाजिक छवि है और व्यक्तित्व भी है यानी आपकी पर्सनैलिटी। इसके अतिरिक्त सूर्य हार्ट को कंट्रोल करता है यानी हृदय का कारक ग्रह होता है सूर्य। और जो भी समाज में आपका मान सम्मान है, रेप्यूटेशन है, स्टेटस है, वो सारी चीज़ें सूर्य दिखाता है, उसको कंट्रोल करता है। अब ये जानते हैं कि मकर राशि क्या है। देखिए, मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका स्वामी ग्रह शनि है और ये जो राशि है मूलतः दसवें भाव की राशि होती है। तो ये सबसे पहले दिखाती है निर्णय लेने की क्षमता को, यानी कि दसवां भाव जो होता है वो निर्णय का भाव होता है यानी डिसीजन का भाव होता है। और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो दसवें भाव से देखी जाती है। तो दसवां भाव जो है यानी कि मकर राशि जो है, क्योंकि उसकी मूल राशि है इसलिए वो भी निर्णय लेने की क्षमता को दिखाती है, नेतृत्व क्षमता को कंट्रोल करती है व्यक्ति के यानी लीडरशिप स्किल्स को। इसके अतिरिक्त ये कानून व्यवस्था को और कानून की राशि है यानी एक न्याय को दर्शाने वाली राशि है, क्योंकि शनि इसका स्वामी ग्रह है। और दसवां भाव क्या है, कर्म स्थान है। कर्म स्थान मूलतः वो स्थान होता है जहाँ पर आप कर्मों के द्वारा कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि लोगों को न्याय प्राप्त हो, तो ये भी एक न्याय की राशि होती है और लॉ को, जस्टिस को इसको कंट्रोल करती है। इसके बाद शनि, ये जो राशि है दसवें भाव की राशि है इसलिए करियर को दिखाएगी। सूर्य भी करियर का कारक है और शनि भी दसवें भाव का कारक ग्रह माना जाता है। तो ये जो राशि है मकर राशि, ये व्यक्ति के करियर को भी नैसर्गिक रूप से कंट्रोल करती है। खास तौर से इसका महत्व दशमांश में बहुत अधिक होता है, और हालांकि हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर करियर के लिए मकर राशि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो भी सत्ता है, सरकार है, प्रशासन है यानी ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको जो है ये राशि कंट्रोल करती है, राजनीति को दर्शाती है। तो जब सूर्य यहाँ पर आ जाता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी सूर्य मकर राशि में स्थित हो तो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत खराब पोजिशन है सूर्य के लिए। ऐसा नहीं है। देखिए, खराब पोजीशन इसलिए मानी जाती है लोगों के लिए क्योंकि भाई ये शनि की राशि है और शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु ग्रह होते हैं। नो डाउट कि ये एक शत्रुगत राशि है सूर्य के लिए अवश्य, पर जितना आप इसको खराब समझते हैं, जितना अशुभ समझते हैं, उतना है नहीं। सूर्य इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देता है और बहुत बहुत अच्छे परिणाम देता है जब वो मकर राशि में स्थित हो। वो कौन से परिणाम होते हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे, पर आप ये समझें कि सूर्य यहाँ पर जितना आप इसको नकारात्मक समझ रहे हैं उतना क्यों नहीं है। फिर जबकि ये उसकी शत्रुगत राशि है, उसके शत्रु की राशि है, शनि की राशि है, फिर भी क्यों नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि ये सूर्य क्या है। सूर्य है किंग, राजा। और ये क्या राशि क्या है, राशि है न्याय की राशि है, कर्म स्थान की राशि है। राजा का जो एक उदय होता है वो दसवें भाव में होता है और इसीलिए सूर्य जो है दसवें भाव में दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको दसवें भाव में मिलती है। तो मकर राशि जो है मूलतः दसवें भाव की राशि है, करियर की राशि है और ये न्याय की राशि है मकर राशि। तो राजा का मुख्य कार्य क्या है, लोगों के प्रति न्याय करना। तो न्याय के लिए जो है, अब यहाँ पर सूर्य जो राजा है यानी किंग है, ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन टू गिव जस्टिस टू पीपल। तो ये एक निश्चित तौर पर ये सूर्य के लिए बिल्कुल भी खराब राशि बिल्कुल नहीं है और इसमें बहुत अच्छे परिणाम सूर्य देता है। हाँ, सूर्य इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस नहीं करता, पहली बात, क्योंकि ये उसकी शत्रुगत राशि है और उसका अच्छे फल देना या खराब फल देना टोटल सब कुछ निर्भर करता है शनि के ऊपर। अब शनि जितना आपकी कुंडली में मजबूत होता चला जाएगा उतने सूर्य के आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, और अगर शनि जितना कमज़ोर होता जाएगा, मान लीजिए नीच का हो गया, राहु केतु द्वारा पीड़ित हो गया, मंगल के साथ ग्रह युद्ध में चला गया, खराब भावों में स्थित हो गया, तो फिर ऑफकोर्स आपका जो सूर्य है उसकी भी स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी।
क्योंकि अब उसका जो राशिश है यानी शनि है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में। जब यहाँ पर सूर्य स्थित हो तो आपको शनि की पोजीशन देखनी अनिवार्य है, पर अगर आपका शनि बेहतर है, कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देगा व्यक्ति को। क्योंकि अब यहाँ पर जो सूर्य है यानी राजा है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है ताकि वो न्याय दे सके, तो इसीलिए सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। और शनि की बस पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, ये एक बात आपको छोटी सी देखनी पड़ती है कुंडली में, ठीक है। अब इसके बाद देखें सूर्य जब यहाँ स्थित होता है तो वो कैसे परिणाम देता है। पहली बात तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वास्तविक बनाएगा, क्योंकि आपका सूर्य क्या है, व्यक्तित्व है आपका, आपकी पर्सनैलिटी है। तो अब आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का कार्य क्या है, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ या जिस भाव में वो बैठता है, उस भावों के, उस राशि के और उस ग्रह के गुणों को और बढ़ाता है, उजागर करता है, लाइट देता है, अपनी रोशनी देता है, जिससे कि वो और बढ़ते हैं उसके तत्व स्वभाव में। तो अब स्वभाव में एक वास्तविकता बहुत आएगी व्यक्ति के, और वास्तविकता इस वजह से आती है क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि प्रैक्टिकलिटी है। शनि का सिर्फ एक ही कहें कि रूल होता है, मंत्र होता है कि आप कर्म करें और उसी के बेसिस पे आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो राशि है मकर राशि, ये जब सूर्य यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासनशील बनाएगा, डिसिप्लिन्ड बहुत बनाएगा। व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति समर्पित होगा, कर्तव्य निष्ठ होगा, और हमेशा कैसे अपने जीवन में वो आगे बढ़े उसके लिए अपने भाग्य पर ही निर्भर नहीं करते ऐसे लोग। ये लोग जो है कार्य करते हैं, और कार्य पर इनका अधिक विश्वास होता है कि अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा भाग्य, मान लीजिए भले ही उतना मजबूत ना भी हो, फिर भी हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो सूर्य जब यहाँ ये स्थित होता है मकर राशि में, तो ऐसी प्रवृत्ति देता है स्वभाव में कि व्यक्ति अब जो है सोचेगा वास्तविक रूप से, रियलिटी में, असलियत में चीज़ें होती कैसे हैं, ना कि अपने एक जो हवाई किले हैं उन्हीं में खोया रहे, यानी एक ड्रीम वर्ल्ड में खो रहा है, वैसी स्थिति नहीं होगी। पर उसके लिए आप बुध और चंद्रमा को भी ज़रूर देखें। अगर बुध और चंद्रमा जलीय राशियों में है, राहु केतु द्वारा पीड़ित हैं, तो वो एक अलग स्थिति बनती है। पर अगर बुध और चंद्रमा आपके अच्छे हैं और सूर्य इस राशि में है, शनि बेहतर पोजीशन में है, 100% आप जो है एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड वाले व्यक्ति होंगे, और डिसिप्लिन होगा आपके भीतर, और करियर में आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे, एम्बिशियस बहुत होंगे, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ाता है सूर्य यहाँ पर। क्योंकि सूर्य क्या है, आपके भीतर की महत्वाकांक्षाएं, और दसवां भाव और ये मकर राशि क्या है, दसवें भाव की राशि यानी कि कर्म स्थान की। तो अब आप कर्म स्थान में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके भीतर ये एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर भी देता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रियलिटी से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उतनी बेहतर होती जाएगी। और देखें, और ये जो निर्णय लेने की कैपेबिलिटी है, हालांकि चंद्रमा और बुध भी वहाँ पर रोल प्ले करते हैं, पर हम उसके बारे में आज नहीं जान रहे हैं। ये सिर्फ एक अलाइनमेंट है और ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर सूर्य स्थित है तो बहुत अच्छी एक स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अब निर्णय लेने की क्षमता अगर अच्छी हो जाएगी तो अब आपके भीतर नेतृत्व क्षमता भी सूर्य लेके आएगा, पर उसके लिए शनि कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर शनि कुंडली में बेहतर है, बहुत अच्छी स्थिति में है, खराब बिल्कुल नहीं है, और सूर्य इस राशि में है, तो नेतृत्व क्षमता व्यक्ति के भीतर होगी, लीडरशिप स्किल्स होंगे। और सूर्य क्या है, राजा। राजा का अर्थ ये है कि आप आज के समाज में राजा नहीं बन जाएंगे, इसका अर्थ ये है कि आप ऊंचे स्तर, आपको एक उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त होगा, और आप एक ऊंचे पदों पर रह करके कार्य करने का आपको मौका भी प्राप्त होगा जीवन में, इसका अर्थ ये है। तो सूर्य जब यहाँ स्थित होता है, शनि की स्थिति अच्छी होती है, तो ये नेतृत्व क्षमता देता है, और व्यक्ति जो है ऐसी कोई भी पोजीशंस जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड हो वहाँ पे उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जितनी भी अथॉरिटेटिव पोजीशंस होती हैं, अब चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनमें कार्य करने के लिए सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। खासतौर से जैसे कि राजनीति है, जो भी कई सारे राजनीतिज्ञ आपको इस सूर्य के देखने को मिलेंगे, और जो प्रशासन में काम करते हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर जो कानून व्यवस्था में काम करते हैं लॉयर्स हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं,
या बहुत ऊंचे पदाधिकारी हैं कानून व्यवस्था में या न्याय व्यवस्था में या फिर आपके प्रशासन व्यवस्था में, जो ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं वो इससे देखे जाते हैं। कुंडली में शनि पर अच्छा होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति एक सिविल सर्वेंट बन सकता है, पर उसके लिए निश्चित तौर पर आपको अन्य योग देखने होते हैं। पर ये एक सूर्य यदि इस राशि में है, शनि आपका मान लीजिए कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, दशमांश में भी बहुत बेहतर है और सूर्य और शनि के बीच में बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है, ऊंचे पदों पर कार्य कर सकता है। तो सूर्य इस राशि में बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और काफ़ी ऊंचे पदों पर व्यक्ति को कार्य करने का मौका भी प्रदान करता है। पर यहाँ पर सूर्य तभी रिजल्ट दे पाएगा जब शनि बेहतर होगा कुंडली में। ठीक, अब ये देखें कि इससे हम जो है इंजीनियर्स भी देखते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जो कार्य कर रहे हैं लोग उनको भी देखते हैं, रक्षा सेवाओं में, क्योंकि जो 10वें भाव की राशि है ये मकर राशि, ये डिफेंस सर्विसेज को भी दिखाती है, सूर्य इसको कंट्रोल करता है और जितने भी अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी है यानी कि इंजीनियरिंग है वो शनि उसका स्वामी ग्रह माना जाता है। शनि और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आता है कि आप टेक्निकल प्रोफेशंस में भी काम कर सकते हैं और ये एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को जीवन में देखिए आसानी से तो कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, धीरे धीरे करके प्राप्त होंगी और यहीं पर इसी कारणवश सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और उसकी शत्रुगत राशि है और शनि क्या है, एक धीमी चाल वाला ग्रह है। तो ये जो राशि है ये भी बहुत धीमी गति वाली राशि है। यहाँ पे इस राशि का अगर प्रभाव पड़ता है करियर के ऊपर तो करियर में आप ऊंचे ज़रूर जाएंगे पर बहुत धीरे धीरे जाएंगे, आसानी से यानी कि एकदम से नहीं चले जाएंगे ऊपर, सडन गेन्स आपको नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे मेहनत से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे, उससे उसके बगैर आपको कोई नतीजे अपने परिणाम जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। ये यहाँ पर सूर्य देता है अगर इस राशि में हो। अब ये देखिए कि सूर्य जो है वो पिता का कारक भी होता है, तो जब सूर्य यहाँ पर स्थित होता है तो ये अब ये टोटल शनि के ऊपर डिपेंड करता है कि पिता के साथ संबंध व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं। अगर शनि अच्छा है तो व्यक्ति के जो पिता हैं वो व्यक्ति के करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे और वो चाहेंगे कि व्यक्ति अपने करियर में आगे बढ़े और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से वो व्यक्ति के भीतर अनुशासन भरें यानी डिसिप्लिन लेके आए और उसको प्रेरित करें कि आप अपने करियर में आगे बढ़िए। तो ये पिता का एक रोल बनता है कि वो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और उनके जो निर्णय होंगे बहुत बेहतर होंगे व्यक्ति के लिए, और अगर जो है व्यक्ति पालन करता है अपने पिता के निर्णयों के ऊपर तो निश्चित तौर पर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। पर यदि शनि खराब हो जाए तो ये पिता से संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव भी क्रिएट कर सकता है, स्ट्रेस क्रिएट कर देगा और संबंध बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे पिता के साथ। खास तौर से यदि सूर्य शनि मान लीजिए साथ में भी आ जाते हैं और नवा भाव बहुत बेहतर नहीं है तो फिर यहाँ पर पिता का तो सपोर्ट आपको रहेगा पर आपके भीतर जो है पिता की जो बातें हैं वो आप आसानी से मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि जो आप सोचते हैं वो बेहतर है, जो पिता कह रहे हैं वो उतना बेहतर आपके लिए नहीं है और अंत में जो नतीजे होते हैं वो आपके विपक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि जो निर्णय आपके पिता का होता है वो हमेशा सही होगा। इसलिए शनि की स्थिति जो है बहुत ज़रूरी है देखनी। अगर शनि अच्छा है तो पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और पिता हमेशा आपका साथ देंगे, आपको हमेशा बढ़ावा देंगे कि आप अपने करियर में कैसे आगे बढ़ें, हर संभव प्रयास करेंगे। पर अगर खराब होगा तो फिर बहुत अच्छी स्थितियां संबंधों में नहीं रहेंगी और मनमुटाव बहुत हो सकते हैं। यदि नवा भाव भी पीड़ित है और सूर्य शनि जो है मान लीजिए परिवर्तन योग में भी हैं तो भी ये काफ़ी एक ऐसी नकारात्मक सिचुएशन कभी कभी क्रिएट करता है जिसमें कि पिता के से संबंधों में दूरियां आ जाती हैं और तनाव पैदा होने लगता है। तो ये शनि की स्थिति पर सब कुछ निर्भर करता है, ये ज़रूर देखें। और क्योंकि ये एक 10वें भाव की राशि है सूर्य की, सूर्य इसमें यदि बैठता है तो इससे भी पता चल सकता है कि हो सकता है व्यक्ति के पिता जो हैं वो भी सरकारी नौकरी में हों, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में वो हो सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं इससे। तो ये कुछ परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है। और ये जो है अगर सूर्य इस राशि में स्थित हो तो इससे हम खेल जगत में जो लोग हैं उनको भी देख सकते हैं, इससे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको भी इससे देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कोई भी स्पोर्ट हो, कुछ भी हो,
कोई भी खेल हो, उसमें डिसिप्लिन सबसे नंबर वन होता है। अगर आपके भीतर डिसिप्लिन नहीं है, आपके भीतर कितनी भी प्रतिभा हो, आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन जो भरता है वो यहाँ सूर्य देता है। शनि ऑफ कोर्स अच्छा होना ही चाहिए, और अगर शनि बेहतर है, सूर्य यहाँ पर है, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी दिखा सकता है कि आप खेल जगत में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है जब वो मकर राशि में स्थित होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अब आपको ये देखना है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में है कैसे। उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा कि सूर्य अब कैसे परिणाम देगा। अगर शनि बेहतर है, शनि मान लीजिए बहुत अच्छी स्थिति में है, अच्छे भावों में है, तो निश्चित तौर पर सूर्य बहुत बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि अब उसके पास पूरी पावर होगी कि अब उसके पास सपोर्ट है शनि का, अब वो 100% रिजल्ट दे सकता है और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जितने परिणामों के हमने बारे में अभी तक चर्चा करी है, उन सब में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे निश्चित तौर पर। और ख़ास तौर से सूर्य भी अच्छे भावों में हो और भी अच्छी बात है। पर यदि शनि खराब हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऊंचे पदों पर कार्य नहीं कर सकते। ज़रूर आप धीरे धीरे मेहनत करके, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी इस करियर में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, अगर आप ऊपर तक पहुंचते हैं, यानी कि ऊंचे पदों पर कार्य करने का कभी मौका भी मिलता है, तो यहाँ पर बहुत सतर्कता से आपको काम करना होगा, क्योंकि शनि अगर खराब होगा तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आपको समस्या हो सकती है। सूर्य के पास भी बल नहीं बचेगा, क्योंकि अगर शनि खराब हो गया तो सूर्य के पास भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। सूर्य क्या है? बॉसेस। तो यानी अब आप ऊपर किसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, तो सबॉर्डिनेट से प्रॉब्लम शनि करा सकता है, बॉसेस से प्रॉब्लम सूर्य करा सकता है। तो ये एक काफ़ी, और ये प्रॉब्लम्स जो होंगी वो ईगो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि शनि यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर झुकेगा नहीं आसानी से, तो ये ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं वो वर्क रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर पर करियर को कंट्रोल करता है इस वजह से। और अगर जो है शनि खराब होता है तो यहाँ पर पिता से संबंध भी जो है बहुत अच्छे नहीं देगा, स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, मनमुटाव क्रिएट कर देगा, वो भी एक नकारात्मक सिचुएशन हो सकती है व्यक्ति के जीवन में। और एक और बात होगी, वो ये होगा कि अब जो डिसीजन मेकिंग पावर या नेतृत्व क्षमता, जिसको हम कहें कि आप लीडरशिप स्किल्स आपके जो भीतर हैं वो रहेंगी, ऐसा नहीं कि मिलेंगी ही नहीं, होंगी, पर अब जो एक सही निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। यानी कि अब आप सही दिशा में सोच भी रहे होंगे तो शनि यहाँ पर आपके भीतर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि आप जो सोच रहे हैं, अब आपके ऊपर कंधों पर इतना कार्यभार है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अब आपको हो सकता है मन में डर बैठे कि अगर मैंने ये निर्णय लिया तो इस अगर ये गलत हो गया तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जो डर होगा ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा मन में कि अब आप जो हैं सही, अगर निर्णय सही दिशा में सोचेंगे भी तो भी 100 बार आप जो है हिचकिचाएंगे कि इस निर्णय को मैं लूँ या ना लूँ। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी निगेटिव होने लगती है जब शनि यहाँ पर कमज़ोर हो जाए। तो शनि की स्थिति कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। और शनि और सूर्य यहाँ पर देखिए, सूर्य यहाँ हो, शनि कमज़ोर हो, तो ये हड्डियों की दिक्कत भी दे सकता है व्यक्ति को। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, ख़ास तौर से पैरों में समस्या हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। तो ये भी एक इससे परिणाम देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये तो शनि की बात हो गई, पर यहाँ पर जो है इस राशि में कई सारे नक्षत्र भी हैं, 3 नक्षत्र होते हैं, और इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग जब भी सूर्य स्थित होगा तो उसके परिणामों में कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाएगी, यानी वेरिएशन आएगा। इसी ये कारण होता है कि जो कई सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में सूर्य मकर राशि में स्थित है, फिर भी उनके स्वभाव में परिवर्तन है, विभिन्नता है, यानी वेरिएशन है। उसका कारण यही है कि पहली बात तो शनि उनकी कुंडली में कैसा है, और दूसरी बात सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है। तो यहाँ पर जब सूर्य इस राशि में होता है तो 3 नक्षत्र हो सकते हैं, या तो उत्तराषाढ़, या फिर श्रवण, या फिर धनिष्ठा। 3 नक्षत्र में से, इन तीनों में से किसी एक में अगर सूर्य स्थित होता है तो उसके परिणाम बदलते हैं। तो अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य स्थित है तो क्या होगा? ये सूर्य का खुद का नक्षत्र है, सूर्य ऑब्वियसली यहाँ पर बेहतर महसूस करेगा, उसके पास एक सपोर्ट रहेगा कि मैं अपने खुद के नक्षत्र में बैठा हूँ, तो एक कंफर्टेबल जोन जो वो ढूंढता है इस राशि में, वो इस नक्षत्र में उसको प्राप्त हो सकेगी।
और यहाँ पर जब सूर्य स्थित होता है तो ये एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा वास्तविक बनाता है, नेतृत्व क्षमता देता है व्यक्ति के भीतर, और ऐसे व्यक्तियों के भीतर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपको जो लीडरशिप पोजीशन से अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करने वाले लोग हैं वो इस नक्षत्र के देखने को बहुत मिलते हैं। अब चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, पर इसमें सरकारी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये सूर्य सूर्य का डोमिनेंस यहाँ ज़्यादा है, तो सूर्य सरकार का कारक है। अगर मान लीजिए गैर सरकारी भी हैं तो सूर्य कभी नीचे निचले पोजीशंस पे काम नहीं करता, ऊंचे ही पोजीशंस पे काम करेगा। तो ये जितने ऊंचे पोजीशंस हैं, जितनी भी अच्छे पद हैं, उनके लिए उन पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है, न्याय व्यवस्था में काम करने के लिए बहुत अच्छा है, यानी लॉयर्स और जजेस, ये भी आप इससे देख सकते हैं जब भी सूर्य यहाँ पर इस नक्षत्र में स्थित होता है। तो अब अगला नक्षत्र जो है वो कौन सा है, वो है श्रवण। श्रवण में अब चंद्रमा का प्रभाव अधिक हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा सूर्य एक दूसरे के मित्र है, पर शनि इन दोनों का ही शत्रु ग्रह है, और चंद्रमा इस राशि में बहुत बेहतर महसूस नहीं करता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा आता है, यानी सूर्य जब यहाँ आता है, तो चंद्रमा का प्रभाव इस नक्षत्र पर ज़्यादा होगा, और इसी कारणवश ये लोग, ऐसे व्यक्ति जो हैं प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, पर ये शनि के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, प्रैक्टिकल बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा, और हकीकत में जीने वाले लोग होंगे, और स्वभाव जो होगा वो लॉजिकल होगा। और इसके बाद यहाँ पर शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा नोटिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर शनि पीड़ित हो जाता है तो ये व्यक्ति को जो है गलत पथ पर भी ले जा सकता है। यानी कि आप, क्योंकि देखिए, सूर्य कर्म स्थान का स्वामी है और मकर राशि कर्म स्थान को दर्शाती है, तो कर्म स्थान का अर्थ आपका ऑफिस है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो है ही, यानी कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, वो एक कर्म स्थान है। पर कर्म स्थान का अर्थ यह है कि आप कोई भी कर्म कीजिए वो उस स्थान से देखा जाएगा, ठीक। तो अब आप सही काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो भी देखे जाते हैं। तो अब जो है शनि अगर पीड़ित हो जाएगा तो ये व्यक्ति को एक खराब संगति दे सकता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो है मति भ्रम हो सकता है। यानी कि अब आप मोटिवेट हो जाएंगे कि उस खराब संगति के कारण कि आप गलत दिशा में चलें। पर ये अगर शनि बेहतर हो तो ये न्याय व्यवस्था में काम करने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, जजेज इससे खास तौर से देखे जाते हैं। और अगर सूर्य और शनि बेहतर हैं कुंडली में तो आप उतने ही अच्छे ऊपर उच्च स्तर के जज आप बन सकते हैं, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जजेस को देख सकते हैं इससे। अगला नक्षत्र है धनिष्ठा। देखिए, धनिष्ठा में मंगल का प्रभाव अधिक होगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, बहुत ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड होता है। और क्योंकि देखिए, यहाँ पर प्रभाव देखें आप शनि का, सूर्य का, मंगल का और मकर राशि का, निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बॉसी होगा, और ऐसे व्यक्ति किसी की बात आसानी से सुनते नहीं हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा अपने, एक तो ज़िद्द होती है स्वभाव में, दूसरी बात निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर होती है, और इसीलिए काफ़ी अच्छे और ऊंचे लीडरशिप पोजीशंस पे, अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे, पावरफुल पोजीशंस में काम करने को मौका मिलता है इन लोगों को, अगर कुंडलियों में, कुंडली में अच्छी स्थितियाँ अन्य ग्रहों की बनती है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट माना जाता है कि आप बहुत ऊंचे पदों पर काम कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर बहुत ज़्यादा अनुशासन होगा, आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे, कर्मबद्ध होंगे कि आपको अपने करियर में अब आगे बढ़ना है, तो आपके पास एक दिशा होगी, क्योंकि मंगल वो दिशा देता है यहाँ पे धनिष्ठा में, कि अब आपके पास एक दिशा होगी कि अब इस पथ पर मुझे चलना है, मति भ्रम नहीं होगा आपका। अब ये सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं में ही नहीं, इंजीनियरिंग प्रोफेशंस में भी जा सकता है व्यक्ति, क्योंकि मंगल और शनि और ये राशि मकर राशि क्या है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशंस भी जो हैं उनमें भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है जब वो मकर राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।